Hey guys, welcome back. So this is the last video of the history of Jammu. So आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिख रूल के, देखेंगे नहीं बल्कि पढ़ेंगे सिख रूल के बारे में. सो दिस इज द लास्ट वीडियो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आज हम सिख रूल के बारे में पढ़ेंगे. तो सिख रूल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, और स्टार्ट करेंगे महाराजा रंजीत सिंह से. तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1808, और इसमें महाराजा रंजीत सिंह का जो भी मतलब इसमें वर्कआउट रहा है वो थोड़ा कम ही है, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में जिनके बारे में सिख रूल में सबसे ज़्यादा जिनके बारे में लिखा हुआ है वो है महाराजा गुलाब सिंह. तो वो पहले महाराजा रंजीत सिंह के सेना में थे. तो किस तरह से मतलब उनको उनको राजा बनाया, जम्मू प्रोविंस को उनको दे दिया, ठीक है, वो सब कुछ इस सिख रूल में हम पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हमने बता दिया. 1808 जो है इनका रूलिंग पीरियड था. तो अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं ये पूरी डिटेल. तो फर्स्टली जम्मू जो था वो कंक्लूड किया गया सरदार हुकम सिंह चीनी द्वारा, और फिर उसके बाद जम्मू रीजन को सिख किंगडम के साथ मिला दिया गया. उसके बाद प्रिंस खल्क सिंह जो कि बेटे थे रंजीत सिंह के, इनको जम्मू रीजन जो था वो एज अ जगीर इनको रिसीव हुआ इन 1812 में. ओके, सो उसके बाद जो फेमस रंजीत देव जो थे उनकी डेथ हुई 4 अप्रैल 1762 में, और इनके 3 भाई थे. और उन 3 भाइयों में भाइयों के नाम क्या थे, फर्स्ट आ गया आपका गनसर देव, देन सूरज सिंह, उसके बाद बलवंत सिंह. ओके, सूरज सिंह के 2 बेटे थे जोरावर सिंह और मियान मोटा. और उसके बाद अगर हम जोरावर सिंह की बात करें तो उनके डिसेंडेंट थे किशोर सिंह, उसके बाद गुलाब सिंह, ध्यान सिंह एंड सुचेत सिंह. ओके, तो उसके बाद इट वॉज यंग गुलाब सिंह हु वॉज द फर्स्ट इन द डोगरा फैमिली टू एंटर महाराजा सरदार रंजीत सिंह सर्विस. मतलब महाराज गुलाब सिंह जो थे वो पहले डोगरा फैमिली में से बंदे थे जो कि सरदार रंजीत सिंह की सर्विस में जिन्होंने पांव रखा, कदम रखा और सर्विस स्टार्ट की. ओके, तो उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी सर्विस तो द डोगरा ब्रदर्स सून अट्रैक्ट हिज नोटिस ब्रदर. उसके बाद क्या हुआ कि इनकी ये जो गुलाब सिंह थे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि एक तरह से ज़बरदस्त फाइटर, माइंड से बिल्कुल सटीक और प्लान्ड पर्सन थे, जिसकी वजह से ये राजा की नज़रों में आ गए, ठीक है, ये नोटिस होना शुरू हो गए. उसके बाद इनके जो प्रूफ हैं इनकी क्वालिटीज़ के प्रूफ वो एक्चुअली देखे गए इन द बैटल ऑफ चच हज़ारा और हज़रू में, जो कि अफ़गान में है, और वहाँ पर इन्होंने अफ़गानियों को हराया. और जो बैटल थी वो और लड़ी गई थी 13 जुलाई को 1813 नियर अटोक. उसके बाद गुलाब सिंह जो थे बेसिकली वो एक बहुत ही ब्रेव पर्सन थे, और उसके बाद गुलाब सिंह को एक डिफरेंट मतलब उनको ओहदा प्रोवाइड किया गया मिलिट्री में, उनको ऑफिसर बना दिया गया, कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया जम्वाल जवेलरी में. एक्चुअली एक गुड्स वाली जो सेना थी वहाँ पर इनको कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया जम्वाल कैवेलरी में. तो उसके बाद क्या हुआ कि लोकल जो पॉपुलेशन थी जम्मू की उस टाइम पे एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा निराश होने लगी उस टाइम पे. बिकॉज क्या था कि जो भी सिख ऑफिसर्स थे, रूलर्स थे, ये लोग क्या करते थे, ओके, सो उसके बाद क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन थी जम्मू की वो एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा रोष था, क्योंकि रोष था अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय सिख ऑफिसर, क्योंकि ये लोग क्या करते थे वहाँ पे इनसे पैसे वगैरह लूट लेते थे, चोरियाँ वगैरह शुरू हो गई हिली पीपल एरियाज़ में. तो उसके साथ क्या हुआ कि इन लोगों का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गया, और फाइनली ये जो गुस्सा था ये रिवोल्ट में बदल गया, और इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया अगेन सिख अंडर द लीडरशिप ऑफ मियान डीडो. ठीक है, मियान डोडो डीडो एक 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 डोगरा रूलर आप लोग कह सकते हो, लीडर कह सकते हो, ठीक है, वो जम्बाल फैमिली से थे. उन्होंने क्या किया कि सिख रूलर्स के खिलाफ इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया,
और फाइनली फिर क्या किया इन्होंने, मतलब एक्सपेडिट करना शुरू कर दिया सिख के ऊपर, इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और साथ में इनको बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली सपोर्ट भी मिल रही थी जम्मू चीफ्स के द्वारा, थोड़े बहुत जो थे आगे पीछे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब सिख, उस टाइम पे सिख रूलर्स ने इन पे बहुत सारा दबाव बनाने की कोशिश की, बट नहीं हुआ। सो फाइनली क्या हुआ, अल्टीमेटली महाराजा सिंह ने, रणजीत सिंह ने ये जो जम्मू रीजन था ये सौंप दिया किनको, राजा गुलाब सिंह और उनके ब्रदर को, ध्यान सिंह और सुजय सिंह को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मियान डो डीडो की जो थी वो फाइनली डेथ कर होगी इन दी बैटल विद गुलाब सिंह, वो त्रिकुटा हिल्स में। ओके, सो उसके बाद ये मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक मिलिट्री प्लग के कारण फाइनली राजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को एक फिटेस्ट पर्सन मानते हुए, मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रोविंस पे जीत हासिल करने के तौर पे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1820 में राजा गुलाब सिंह को इन्होंने जम्मू प्रोविंस दे दिया, और जम्मू प्रोविंस देने के साथ साथ इन्होंने इनको परमिट किया कि आप अपनी आर्मी बना लो, और साथ में इनको राजा का टाइटल भी दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि गुलाब सिंह ने रियासी, पूंछ, रजौरी, चनैनी, किश्तवाड़, मंगोत, कश्मीर, लद्दाख एंड सभी जगहों को जीत लिया। ठीक है, एंड सम अदर टेरिटरीज फॉर द सिख रूलर और एट लाहौर, और सिख रूलर्स के लिए ये सारी टेरिटरीज जो थी वो जीत ली। सो फाइनली क्या हुआ कि ही ओवर गॉट जागीर राइट ओवर दैम, और फाइनली फिर इनको मतलब ये जितनी भी जगह इन्होंने जीती थी इनको उसका जो राइट था, जागीर राइट था, वो मिल गया। देन उसके बाद जनरल जोरावर सिंह ऑफ रियासी वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस विक्ट्रीज बिटवीन 1841 एडी में। और फाइनली इन्होंने कहा कि 1818 से लेकर 1843 तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जितनी भी मतलब जीत हुई लड़ाइयों में, उसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे जनरल जोरावर सिंह, जो कि रियासी के थे। ओके, सो गाइज ये था अल्टीमेटली सिख रूल, और फाइनली यहाँ पर एंड हो जाता आपका हिस्ट्री ऑफ जम्मू। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। तब तक के लिए आप बने रहें, और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने न्यू लेक्चर के साथ। तो होपफुली ये जितना भी मैंने जम्मू की हिस्ट्री आपको बताई ये हेल्पफुल रही होगी। देखिए मेरा मेन मकसद है कि इस तरह से हो, इस तरह से पढ़ाऊँ, या इस तरह से आप लोग पढ़ो कि आपको बोर फील ना हो, सीधी सी बात। इसलिए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बोलता हूँ जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई है। ओके, सो आई होप कि जितना भी लेक्चर आप लोगों को मैंने बताया ये समझ आया होगा। तो फाइनली अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और अच्छा लगता है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ दिस सतीश, बाय।